दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक गड्ढों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। आज के वीडियो में शामिल गड्ढे जो काफी रहस्यमयी और खतरनाक हैं, फिर भी लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इन गड्ढों को देखने दूर दूर से आते हैं। जी हां दोस्तों, इन गड्ढों को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इसे प्रकृति ने अपने अंदाज में बनाया है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है। मानव ने हमेशा से ही इनके बारे में जानने और इनको सुलझाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों बहुत से रहस्यों से पर्दा हटा दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी इन रहस्यों से भरे गड्ढों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, ग्वाटमाला सिटी। ये गड्ढा 2007 में लोगों के सामने आया था, लेकिन इससे पहले वहाँ के लोगों का कहना था कि उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से शहर के बीचों बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया और इस गड्ढे की वजह से इसमें कई लोगों की जान भी गई, लेकिन आज तक वहाँ के लोग समझ नहीं पाए आखिर ये गड्ढा कैसे बना। वैसे तो अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार बताया जाता है सिंक होल ज्यादातर उन शहरों में बनते हैं जहां लाइमस्टोन होते हैं या फिर कोई ऐसा पत्थर जो ग्राउंड वाटर से घुल जाता हो। इससे पहले भी साल 2007 में ग्वाटेमाला सिटी के पास एक और 100 फीट गहरा सिंक होल बना था। इस पूरे इलाके को हर दिशा में 60 फीट तक के सिंक होल तक सील कर दिया गया था। नंबर दो, डेंस ब्लू होल। वैसे तो इस जगह पर कई रहस्यमय गड्ढे हैं, लेकिन यह गड्ढा उनसे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। यह गड्ढा बहामास के एक द्वीप पर स्थित है। इसके बारे में सर्च करने से पता चला है कि यह गड्ढा हजारों साल से यहाँ मौजूद है। गोताखोरों का कहना है कि जब वे इसके अंदर जाते हैं तो उन्हें 30 मीटर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, जो साफ पानी की वजह से हो सकता है। आपको यहाँ पर हमेशा मस्ती करते लोग दिखाई देंगे जो ऊंचाई से इसमें कूदते हैं और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। दूसरी ओर यह ब्लू होल प्राकृतिक चट्टानों से ढका हुआ है, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते हैं उन्हें इस खूबसूरत नजारे को देखने की इजाजत नहीं है। 15 से 30 फीट नीचे जाने पर दृश्यता धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक नजारा है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के अंत में आ गए हो। नंबर तीन, बीमा सिंक होल। जब ओमन में यह गड्ढा देखा गया तो वहाँ मौजूद सभी लोग इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इसका पानी नीला और बहुत साफ था। इसके बाद यहाँ लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। कुछ लोग इस चमत्कार को देखने आते हैं, कुछ युवा लड़के यहाँ आनंद लेने आते हैं। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रेटर भी कहा जाता है। इस वजह से इसमें तैरने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई आम गड्ढा नहीं, बल्कि 300 फीट लंबा और 50 फीट गहरा गड्ढा है। इस गड्ढे की खास बात यह है कि यह सिंक होल सिर्फ 4 दिन में अपने आप बन गया। यह गड्ढा मैक्सिको के प्योबल राज्य में स्थित सांता मरिया में देखा गया था, जहां यह गड्ढा मिला है। वहां किसान रहते हैं। इस विशालकाय गड्ढे की जानकारी मिलने के बाद से किसानों को डर लगने लगा। यह गड्ढा पहले 15 फीट का था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका पूरा व्यास 300 फीट हो गया है। यह गड्ढा 50 फीट गहरा है, जिसमें भूजल भी भर गया है। इस खेत में रहने वाले परिवार को सुरक्षित किसी दूसरी जगह ले जाया गया है। नंबर चार, सरीसरीनामा। सरीसरीनामा का गड्ढा ओवा सरीसियामा के राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो अब वेनेजुएला के सबसे बड़े संसाधनों में से एक है। इन गड्ढों से निकटतम सड़क और कस्बा सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और सरीसरीनामा का ये गड्ढा जो जंगल के बीच में बना हुआ है। दोस्तों इस शानदार गड्ढे के अंदर बहुत अलग माहौल है, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। इसके अंदर आप जंगल के झरने और खतरनाक जानवरों को भी देख सकते हैं। लोग यहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ ऐसी जनजाति पाई जाती है जो आसपास के पहाड़ों पर इंसानों को जिंदा खा जाती है। नंबर पाँच, डोर टू हिल। धरती पर यह नर्क तुर्कमेनिस्तान देश के कारकुम रेगिस्तान पर स्थित है। यह पिछले 50 साल से लगातार बना हुआ है। कारकुम रेगिस्तान में स्थित यह 229 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा गड्ढा है। जब आसपास के रहने वाले गांव के लोगों ने इस गड्ढे का पता लगाया तो उसमें आग नहीं लगी थी, लेकिन जब वैज्ञानिक वहां सर्च करने गए तो उन्होंने इसमें आग लगा दी ताकि इससे निकलने वाली मैथेन गैस जल सके, और फिर वह आग नहीं बुझ रही थी। लगातार निकल रही मैथेन गैस से धधकती आग को बुझाने के लिए कई प्रयास असफल हो रहे हैं, फिर भी इस आग को बुझाने के लिए अब हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद हर साल हजारों लोग इस गड्ढे को देखने के लिए यहाँ आते थे और उन लोगों ने इसे नरक का दरवाजा नाम दे दिया है, जिसके बाद लोग इसे डोर द हेल के नाम से जानने लगे। नंबर छह, बिगेस्ट होल ऑन मार्स। जी हाँ दोस्तों, ये गड्ढा धरती पर नहीं बल्कि धरती से दूर मार्स पर बनाया गया है। नासा ने मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए आर्बिटर नामक रोबोट भेजा। आर्बिटर लगातार मंगल की तस्वीरें भेज रहा है। नासा द्वारा जारी इस छेद की यह तस्वीर आर्बिटर ने भेजी है। इसके अलावा एक बड़े पेविनिस मार्स ज्वालामुखी की तस्वीर भी जारी की गई है, जिसकी धूल भरी वादियों को तस्वीर में दिखाया गया है। दरअसल मंगल के छिद्र को वैज्ञानिक जीवन की संभावना का प्रमाण माना जाता है। नासा ने 1 मार्च को जारी एक ब्लॉग में कहा कि इस क्षेत्र के आसपास कई सुरक्षित गुफाएं खोजी गई हैं, जो भावी शोधार्थियों के लिए एक प्रमुख विषय होगा। आपको बता दें कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भारत ने भी अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया है। अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपने 3 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किए हैं। इसके अलावा एक रोवर आर्बिटर को मंगल की सतह पर उतारा गया है। नंबर 7, साइबेरिया होल। साइबेरिया के जंगलों में एक बड़ा गड्ढा पिछले कुछ समय से चर्चा में है। 1 मीटर लंबा और 50 मीटर गहरा यह गड्ढा जब साइबेरिया के
जंगलों के बीच दिखाई देता है तो एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गर्मियों के हरे भरे मौसम में जंगल की ये जगह पसंद ना आए, लेकिन इस क्षेत्र को लेकर किस्सों की कोई कमी नहीं है। किसी को लगता है कि ये नर्क का द्वार है तो वहीं वैज्ञानिक हैरान है कि ये बड़ा क्यों हो रहा है। साइबेरिया शहर से 660 किलोमीटर उत्तर पूर्व में याना नदी बेसिन पर यह मेगा स्लंप या वाटिका क्रेटर चौड़ा और गहरा होता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों से खतरनाक भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। सैटेलाइट सेंसिंग से पता चला है कि यह गड्ढा हर साल करीब 20 से 30 मीटर चौड़ा हो रहा है। ऐसा यह बर्फ के पिघलने और पानी के बह जाने के बाद होता है। नंबर 8 कैम्बरली डायमंड माइन अफ्रीका। यह अफ्रीका में स्थित दुनिया में सबसे बड़े हाथ से बने छेद में से एक के रूप में जाना जाता है। द बिग होल वास्तव में एक पहाड़ी के रूप में शुरू हुआ। 1866 में 50,000 से अधिक खनिकों ने मिट्टी के माध्यम से अपना रास्ता खोदा। किम्बरली डायमंड माइन 700 फीट से अधिक डूब गया और 1914 तक 1500 फीट से अधिक चौड़ा हो गया। 6000 पाउंड से अधिक हीरे अभी भी एक पर्यटक स्थल से निकाले गए थे। नंबर 9 रेड लेक सिंक होल। रेड लेक सिंक होल एक विशालकाय छेद है। गड्ढे के किनारों को घेरने से लाल रंग की चट्टानों की वजह से इसका नाम रेड लेक पड़ गया, लेकिन साधारण रंग के पानी के बावजूद ये गड्ढा काफी अनोखा है। सिंक होल को अलाइन करने वाली ऊर्ध्वाधर दीवारें लगभग 290 मीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि झील इससे कहीं अधिक गहरी है। लगभग 530 मीटर की गहराई के साथ रेड लेक दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है। नंबर 10 द केव ऑफ इस्वेलोस। द केव ऑफ इस्वेलोस एक विशालकाय गड्ढा है जो मेक्सिको के सैन लुइस पोटोसी में स्थित है। ये गड्ढा 370 मीटर से भी कहीं ज्यादा गहरा है। वास्तव में यह इतना बड़ा है कि एफिल टावर को आसानी से निगल सकता है और अभी भी जगह खाली है। हालांकि वहां के रहने वाले लोगों को इस गुफा के बारे में जल्दी पता चल गया था, लेकिन 1966 तक इसका पता नहीं लगाया गया था, जो मानवता द्वारा पहली बार चंद्रमा की खोज करने से कुछ साल पहले की बात है। तो दोस्तों, इन रहस्यमय गड्ढों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।